वाल्मीकि जी ने भगवान की यशो गाथा को अमर बनाने के लिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, उसका किसी ने पार नहीं पाया है, अपरिमित है, असंख्य रामायण है। परंतु वाल्मीकि रामायण के आधार पे अन्य रामायण लिखी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम मुनिन हर कीरत गाई तेहिमग चलत सुगम मोहि भाई। जो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, आदि कवि उनको इसलिए कहा जाता है अनुष्टुप छंदबद्ध जो काव्य की रचना हुई वो प्रथम वाल्मीकि जी के द्वारा हुई। अन्य छंदों में अन्य रचनाएं थीं, परंतु ये जो 32 अक्षर वाला अनुष्टुप छंद है, और ये अनुष्टुप छंद लय और स्वर के साथ गाया जा सकता है। ज्ञान वेद शाम वेद, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदानाम साम वेदो अश्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं, साम वेद गाया जाता है। ज्ञान को गाकर जब हृदय से ध्वनि निकलती है गीत के रूप में, तो वो परमात्मा तक पहुंचने में और पहुंचाने में सहयोगी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब विनय पत्रिका लिखनी थी, अर्थात भगवान के सामने अपना प्रार्थना पत्र भेजना था, कहा जाता है कलिकाल ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं सभी लोगों को भगवान के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। कली के प्रभाव से वो अलग हटते चले जा रहे हैं, कली के अधीन नहीं रह रहे। तो सोचा कि इनको ही थोड़ा सा मार्ग से हटा दें, जो हमारे साम्राज्य के विस्तार में कली जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे उस विस्तार में अवरोधक बन रहे हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी। उनको हटाने के लिए चेष्टा हुई। आप सब तो जानते ही हैं भक्त की दौड़ भगवान तक, और श्री आंजनेय ने श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी पे बहुत बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना की कि महाराज ये कलिकाल मेरे को बहुत पीड़ित कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो ये चार युग जो हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब भगवान ने बनाए, और जिसको भगवान महत्व देते हैं इनको जो राजसत्ता प्राप्त हुई है वो परमात्मा की देन है, इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कोई संसार में ऐसा नहीं है जो कुछ कर सके।
राम कीन चाहिए सो होई, कार्य अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो राम जी की इच्छा के विपरीत कुछ होने दे। ऐसी परिस्थितियों में हाँ एक उपाय है, आप भगवान के पास एक प्रार्थना पत्र भेजो, एक पत्रिका भेजो, उसमें मैं सहयोग करूंगा आपका। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और फिर उस पर भगवान ने सही भी की है। उसमें विनय पत्रिका के अंतिम पदों में ये उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने सुनी है विनय पत्रिका और पढ़ी सही है, भगवान के हस्ताक्षर हुए, भगवान ने सिक्का लगा दिया, मोहर लगा दी। तो विनय पत्रिका जो है, होना तो ये चाहिए था गद्य में लिखी जाती। भाई पत्र आप सब लिखते हो तो गद्य में लिखते हो, पद्य में नहीं लिखते, गीत के रूप में नहीं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम पद गाइए गणपति जग वंदना, गणेश जी की जो वंदना की उसमें गाइए, पत्रिका भी गाई गई, गीत। और आपको मालूम है उस परमात्मा का जो प्रथम नाम है ओंकार, उसको कहा जाता है उद्गीत। हमको उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला, निकृष्ट से हमको निकाल के हम जो अधोगति की तरफ चले जा रहे हैं उससे निकाल के ऊर्ध्वगति प्रदान करने वाला जो गीत है ओंकार गाया जाता है, वो गीत है। ओंकार एक ध्वनि विशेष है, ये नहीं आउम ओम, इतना ही नहीं, वो गाया जाता है। भगवान का नाम, भगवान का चरित, जे गावई ये चरित संहारे, इस चरित को गाने की जरूरत है। रामचरितमानस। तो हम ये बता रहे थे वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम का चरित्र जो है, भगवान के समकालीन है वाल्मीकि जी, भगवान श्री राम वनवास के समय वाल्मीकि आश्रम में पधारे, नारद जी से प्रश्न करते हुए वाल्मीकि जी ने पूछा है कि इस समय कौन ऐसा महापुरुष है। वाल्मीकि जी को नारद जी ने भगवान श्री राम के विषय में बताया है। वाल्मीकि रामायण में जो क्रिया है कुछ भूतकाल की है, कुछ भविष्य की है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार रामो राजमुपाशित्वा दस वर्ष सहस्तानी दस वर्ष शतानी च रामो राजमुपाशित्वा, 11,000 वर्ष तक राम जी राज करेंगे। किया नहीं, उस समय भगवान राम राज सिंहासन पर विराजमान थे जिस समय वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। उन्हीं का इस कलिकाल में वाल्मीकि जी राम जी के समय, और कितना अंतराल, लगभग 16.5 लाख
वर्ष बीत चुके हैं। आजकल ज्योतिष की गणना के अनुसार अगर आप भगवान श्री राम का जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जन्माक्षर बना है, जन्म कुंडली जन्माक्षर उसको डालो तो वो योग जिस समय आया था उसको लगभग लगभग कह रहे हैं 16.5 लाख वर्ष हो चुके। इतने अंतराल के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी आए और वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आते हैं। इधर राम जी जो हैं रामानंदा श्यम राम प्रादुर्भूतो महितर, भगवान श्री राम आचार्य श्री के रूप में, भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होते हैं। स्वामी जी का जो काव्य है, ग्रंथ है, स्वामी जी ने बहुत अधिक रचना नहीं की, फिर भी कुछ रचनाएं सुरक्षित रह गईं। वो कैसे रहीं आप सब जानते हैं। ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की दो वाणी संकलित हैं। वैसे 7 रामानंदी संतों की वाणी उसमें संकलित है। ग्रंथ साहिब में जो वाणी स्वामी जी की संकलित थी वो बच गई। कुछ अन्य रचनाएं जैसे अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र और एक जय शिव राम हरे करके ऐसा स्तोत्र है, ऐसे बहुत से कुछ स्वामी जी के साहित्य बच पाए। अधिकांश क्या हुआ, स्वामी जी के लीला के संवर्ण के उपरांत, जब स्वामी जी अपनी लीला का संवर्ण करके अपने नित्य धाम चले गए, स्वामी जी का शरीर भूमंडल पे नहीं छूटा। स्वामी जी अदृश्य हुए हैं। प्रसंग पारिजात में आप सबने पढ़ा होगा, स्वामी जी सभी शिष्यों को बताए कि हम श्री अवध जा रहे हैं और अवध के लिए भगवान का नित्य धाम साकेत, अयोध्या, अवध, बस स्वामी जी का। स्वामी जी के जाने के बाद स्वामी जी का जो श्री मठ था, जहाँ हजारों की संख्या में विरक्त वैष्णव संत साधना करते थे, स्वामी जी के साथ 500 भ्रमण के समय भी रहते थे। जब स्वामी जी कहीं बाहर जाते थे भ्रमण के लिए तो 500, ऐसा मुसलमान साहित्यकारों ने लिखा है। मतलब हिंदू लिखता तो कुछ बड़ा चढ़ा के कह देता, परंतु वो मुसलमान साहित्यकार लिखता है तो जैसा था वैसा ही लिखेगा, वो बढ़ाएगा नहीं, हिंदुओं का उत्कर्ष बढ़ाने की बात नहीं करेगा। सोच ही नहीं सकते आप, कल्पना नहीं करते। तो स्वामी जी का जो इतना विशाल आश्रम था, वहां साहित्य स्वामी जी के द्वारा उपदेश जो दिया गया था वो सब मुसलमानों ने
उस धर्म स्थल को ध्वंस कर दिया, क्योंकि इस्लाम को खतरा था उससे। और जहां इस्लाम को खतरा है, संपूर्ण मुसलमान एकत्रित हो जाते हैं और उस स्थान विशेष को ध्वंस कर दिया गया। अभी भी वो मस्जिद उस स्थान पे बनी हुई है। उसके अभी कुछ समय पूर्व गंगा के घाट के ऊपर थोड़ी सी जगह लेके पुनः श्रीमठ का स्थापना कर दी गई। वो घाट पे ही कर दी गई, क्योंकि ऊपर जहां मठ था, आश्रम था, वहां तो मस्जिद बना दी गई। तो स्वामी जी का साहित्य बहुत कुछ उपलब्ध नहीं हो सका, परंतु स्वामी जी की एक विचारधारा थी, मानव को सही अर्थों में मानव बनाना। हमने बहुत बार कहा है, ऋग्वेद कहता है मनोर्भव मानव बनो, तो स्वामी जी ने उस वेद वाक्य को, मनोर्भव जो वेद वाक्य है, उसको जीवन में चरितार्थ करने के लिए, कराने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया था। वो स्वामी जी की वाणी के द्वारा, परंतु स्वामी जी के जाने के बाद वो सब तो नष्ट प्राय हो गया, परंतु जो स्वामी जी रामायण कहते थे, घटना इस प्रकार से घटी थी, आप सबको बताया ही गया है। स्वामी जी की मेधा शक्ति बहुत अच्छी थी। जगतगुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की मेधा शक्ति बहुत अच्छी थी। 8 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण उनको कंठस्थ। पिताश्री, इनके जो वाजपेयी जी पिताश्री थे, उनके मुख से वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया, वो पूरी रामायण कंठस्थ हो गए। स्वामी जी नित प्रति भरद्वाज आश्रम जाते थे, ऐसी एक मान्यता है। वृंदावन में, निधि वन में नित प्रति रासलीला होती है, रात्रि में वहां किसी को रुकने नहीं दिया जाता, उस वन को खाली कर दिया जाता है, पूरा परिसर खाली कर दिया, उसमें कोई रह नहीं सकता। वहां नित्य प्रति भगवान की रासलीला होती है। साधारण चर्म चक्षुओं से तो वो लीला देखी नहीं जा सकती, परंतु कुछ विशिष्ट भगवान के कृपा पात्र उस लीला को देखते हैं, सुनते हैं। इसी प्रकार से भरद्वाज आश्रम नित्य प्रति रामायण की कथा जागवलिक जी के द्वारा होती है। जागवलिक मुनि परम विवेकी, उनके द्वारा प्रत्येक दिन भरद्वाज जी प्रधान श्रोता हैं। जागवलिक और भरद्वाज संवाद जो रामचरितमानस में है वो चलता था। स्वामी जी वहां जाके बैठते थे, ध्यानावस्थित होते थे, ध्यान में वो पूरी कथा श्रवण करते और फिर अपने आश्रम में आकर, मतलब श्रीमठ पे आकर वो कथा कहते थे।
उस कथा को स्वामी नरहरियानंद जी ने फिर व्यंगम कर लिया। और उसी को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रवण किया बचपन में। तब मैं रहूं अति अचेत, तत्पि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछ मति अनुसारा, भाषा बद्ध करूं मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब रहूं अति अचेत। मैं उस समय बहुत छोटा बच्चा था, बालक था, मेरी समझ उतनी विकसित नहीं थी, परंतु तत्व कही गुरु बार ही बार, हमारे गुरुदेव ने उस कथा को बारंबार कहा। वो कथा जो थी उस समय तक वाल्मीकि जी ने जो रचना की संस्कृत में की, देववाणी संस्कृत, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का जो संवाद हुआ वो भी संस्कृत में हुआ है, स्वामी जी जो हैं वो भी संस्कृत में कथा कहते थे, क्योंकि जैसा सुनते थे उसको अक्षरशः वैसे का वैसा सुना देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाषा बद्ध करूं मैं सो, मैं उसको भाषा में आबद्ध कर देता हूं। वो जो संस्कृत में था, स्वामी जी ने अपने जीवन में सभी शिष्यों को उपदेश दिया था। वैसे स्वामी जी की जो अन्य वाणियां हैं वो भी प्राकृत भाषा में है, जो ग्रंथ साहिब में स्वामी जी की वाणी है, वाणी मतलब दो कवित, वो हिंदी प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में। स्वामी जी चाहते थे जनसाधारण को हिंदी का बोध है। और एक बार महात्मा गांधी, आज आप सबको मालूम है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है, लोकमान्य तिलक अंग्रेजी में प्रभाषण दिए, बहुत बड़ी सभा ने सुना, गांधी जी उपस्थित थे। गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप लोग जो इंग्लिश में अभी भाषण दिया गया है कितने लोग समझ सके हाथ उठाएं। कुछ चंद लोगों के हाथ उठे। फिर गांधी जी ने कहा, अगर ये हिंदी में भाषण दिया जाता तो कितने लोग समझ पाते। अधिकांश सबके हाथ उठ गए। गांधी जी ने तिलक की ओर देखा, वो चाहते थे, कहना चाहते थे कि आप जनसाधारण को समझाना चाहते हो, ये इंग्लिश अंग्रेजी आंग्ल भाषा जनसाधारण नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता, इनके लिए इनकी जो भाषा है उसमें आप उपदेश दीजिए। इसी प्रकार से ये स्वामी जी ने, देखो गांधी जी के जीवन में स्वामी जी की विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरिजन, ये जो विचारधारा है ये स्वामी जी की विचारधारा गांधी जी ने स्वीकार की।
गांधी जी राम राज की बात करते थे, हमारे स्वामी जी वो भी चाहते थे कि लोगों के हृदय में राम राज आए, लोगों का हृदय परिवर्तित हो। अगर लोगों के हृदय में राम राज आ गया तो ये समाज की जो बेमनुष्यता है वो दूर हो सके। कलि प्रभाव विरोध चहुमोरा, तामस बहुत रजोगुण थोरा। कलि के प्रभाव से चारों तरफ विरोधाभास, परिवार में पति पत्नी में विरोध, भाई भाई में विरोध, भाई बहन में विरोध, पिता पुत्र में विरोध, पुत्री पिता में विरोध, सब जगह विरोध विरोध विरोध। कलि काल ने ऐसे लोगों की बुद्धि खराब की, मोहल्ले मोहल्ले में विरोध, गांव गांव में विरोध, नगर नगर में, प्रांत प्रांत में। अभी नहीं देखा आपने आसाम में? अरे भारत के दो प्रांत सीमा विवाद को लेकर परेशान। अरे है तो हमारी भारत भूमि, रेखा इधर की जगह थोड़ी इधर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, भारत ही है ना। अगर ज्यादा विवाद होता है तो उसको केंद्र शासित बना दो ना, बात पूरी। चंडीगढ़ के साथ जैसा हुआ, परंतु लोगों की बुद्धि कलिकाल ने खराब कर, सब जगह विरोध सब जगह विरोध। स्वामी जी चाहते थे, हमारे भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब लोग परस्पर एक दूसरे से, जो हमारा वैदिक विचार, स्वामी जी ने वैदिक विचार को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, आतिथ्य देवो हो, फिर परस्पर देवो हो, और सबसे अंतिम में आत्मदेवो हो। ये हमारा वैदिक विचार है। इस विचार को स्वामी जी जीवन में लाना चाहते, सब नर करहीं परस्पर प्रीत, नहीं कोई दरिद्र दुखी नहीं दीना, कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो। तो गांधी जी चाहते थे कि भारत में राम राज हो। वो कहते थे मैं जुआरी शराबियों का राष्ट्र नहीं देखना चाहता, परंतु देश का दुर्भाग्य, आज गांधी जी ने अमृतसर में सभा में कहा था पाकिस्तान नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो मेरी कब्र पे बनेगा, मतलब मेरे मरने के बाद हिंदुस्तान का विभाजन होगा, मातृभूमि का विभाजन वो नहीं चाहते थे। परंतु ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिन्ना के द्वारा, जो भी हो, जिससे देश का विभाजन हुआ महात्मा गांधी। तो हम ये बता रहे थे महात्मा गांधी के ऊपर स्वामी जी की विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो स्वामी जी ने जो रामायण सुनी थी, उस रामायण को नरहरियानंद जी आश्रम में सुनाते थे, और वही नरहरियानंद जी से हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस सुना और उसको भाषाबद्ध किया है, प्राकृत भाषा में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वो कितना सत्य है नहीं मालूम,
रात्रि में मतलब दिन में रचना संस्कृत में होती थी, रात्रि में लुप्त हो जाती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। तो भोले बाबा ने कहा ये रचना जो है प्राकृत भाषा में करो, संस्कृत का समय नहीं है। सपने उस आचे उ मोई पर जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर होए जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सपने उस आचे उ मोई पर, स्वप्न में अगर सही में भगवान शंकर ने मेरे पे कृपा की है, तो फुर हो जो कहूं सब, तो वो सब सत्य हो भाषा भनित प्रभाव। तो रामचरितमानस में ऐसे बहुत से सूत्र मिलते हैं जिनके आधार पे ये निश्चित होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत गुरु स्वामी जी के सुनी हुई रामायण को, यत पूर्वम प्रभुना कृतम श्री शंभुना दुर्गमम, जिसको भगवान ने रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमव सिवासन भाखा। भगवान शंकर ने उसकी रचना की और रच के अपने मन में रखा। ताते राम चरित मानस वर धरेउ नाम हिए हेर हरशर। ये जो रामचरित मानस इसका नाम है, रच महेश निज मानस रखा, अपने मन में रखा था, इस कारण से। वो रामायण में सब लिखा है, हम कोई नई बात आपको नहीं बता। आप सब रामायण पढ़ते, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चाहिए। हम तो केवल इतना कह रहे थे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जन्म जयंती है और उनके बहुत बहुत उपकार हैं हम सबके ऊपर, उनके बहुत उपकार हैं। और उसमें एक अमूल्य रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ स्वामी जी ने हमको दिया। एक रामचरितमानस ने पूरे हिंदुत्व की रक्षा की, राम भक्ति की रक्षा की, शैव वैष्णवों के संघर्ष को दूर किया, मानव को मानव से जोड़ा, ये सब कार्य रामचरितमानस का। मानव एक भक्ति करना, रामचरितमानस में चांडाल पक्षी व्यास गद्दी पे बैठा हुआ है, सपद होए पक्षी चांडाला। और श्रोता पक्षी राज गरुड़, पक्षियों का राजा गरुड़ कथा श्रवण करने के लिए बैठा। ये क्रांति मानस, ये क्रांति हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने। अपने जीवन में रविदास अंत्यज जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, जो वर्णों में अधम माने जाते, उनको राम भक्ति के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया जहां मीरा जैसी छत्रानी उनको गुरु रूप में स्वीकार करती हैं। मीरा कहती हैं गुरु मिलो रविदास, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनाया, कृपा कर अपनाया, जबरदस्ती चेला नहीं बनाया।
कृपा कर अपनायो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज जो भूमंडल पे राम भक्ति दिखाई दे रही उसका श्रेय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी को, नहीं तो राम भक्ति की धारा लुप्त हो रही थी, कौन जानता राम को। बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन था। मंदिर ध्वंस हो रहे थे, साहित्य जला जला के पानी गर्म किया जाता था, उनके जो हमाम जिसमें पानी गर्म करते हैं ना, अब उसको क्या कहें, ग्रंथ गीजर, वुडन गीजर होता है ना, उसमें ग्रंथ जलाए गए। उससे पानी गर्म होता था। बहुत से ग्रंथों की उन लोगों ने अरबी भाषा में अनुवाद करा और उसके बाद जला दिया। मतलब उसका जो मैटर है उसको तो उन्होंने संभाल लिया, और ग्रंथ को जिससे ये ज्ञान भारतीयों के पास ना रह सके, भारतीयों के पास ना रह सके, हम दावा कर सकें कि ये ज्ञान हमारा है। बड़ी तो सब मिला के आज श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती है, हम सबका दायित्व हो जाता है उनके जो उपकार हैं, असंख्य उपकार हैं। अरे रामचरितमानस के द्वारा कितने लोगों की रोटी रोजी चलती है वो कहा जाता है। एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म पर बैठा हुआ रामायण का पाठ कर रहा, बुढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी, वो गांधी जी जैसा चश्मा, मतलब ऐसे डोरे से कान पर मान लगाए हुए, वो गोल गोल ऐसे। अभी तो नोट पे आ गया ना गांधी जी का चश्मा, तो सब जान गए। वो बैठा हुआ रामायण का पाठ कर, एक मनचला नवयुवक युवान पूछा, इससे क्या होता है, ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है? कहा भैया रामचरितमानस है, रामायण रामायण, इससे होता क्या है? तब तक गाड़ी आ गई, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई, सब लोग दौड़े, उस वृद्ध ने भी अपनी रामायण संभाली, अपनी झोली में रखी और गाड़ी में चढ़ गया, और वो व्यक्ति जो पूछ रहा था वो भी चढ़ गया उसी बोगी में, उसके बच्चे नीचे रह गए। चैन पुल की गई, गाड़ी रुकी, बच्चों को चढ़ाया गया, वो वृद्ध सज्जन ने उस युवान के सामने जाके कहा, बेटा अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो ये स्थिति नहीं देखने को मिलती आज। कहा बाबा क्या इसमें ये भी लिखा है, इसमें ऐसा कुछ लिखा है क्या? अरे भगवान श्री राम जब नौका से पार जाना चाहते थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को ट्रेन में मतलब नाव में चढ़ा, कहने का मतलब यह है
रामायण व्यवहार के लिए, परमार्थ के लिए, सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है। अगर ये बच्चे जो अभी नींद के कारण झूम रहे हैं, आती है ना नींद, आती है, थक जाते हैं खेलते खेलते, सवेरे मजबूरी में जल्दी उठ जाना पड़ा होगा, जो भी हुआ हो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग कर ही पुरकाजा, देख चरित हर सही मन राजा। किस प्रकार से माता पिता बच्चों के चरित्र को देख के प्रसन्न हो, ऐसा कार्य भगवान श्री राम करते हैं। माता पिता की प्रसन्नता के लिए, ये नहीं कृतघ्न नहीं है, कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, ये आश्री लक्षण है। माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें से। माता पिता को नहीं मानना, संत महापुरुषों से सेवा लेना, जिनके ये आचरण भगवान ते जानो निष्ठर सबका। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि जिनके ऐसे आचरण है वो सब तो राक्षस हैं, राक्षस। देवी संस्कृति का पालन करके व्यक्ति जो है देवी संपदा विमोक्ष है, कर्म के बंधन से मुक्त करके, और जो स्वतंत्रता के विषय में भी कहते थे, जो स्वतंत्र जीवन प्रदान करती है रामायण, वो कैसे, भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, लोकतंत्र प्रजातंत्र आया, परंतु आना क्या चाहिए था, स्वतंत्र। लोकतंत्र प्रजातंत्र तो देख ही रहे हो क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की स्थिति आप सब देख रहे हो, टेबल पे चढ़ के ऐसे लोगों को आप लोग चुन के भेजते हो, आप सब चाहते हो कि पार्लियामेंट में ऐसा उपद्रव हो, ऐसे लोग वहां पहुंचे, तभी तो ये सब स्थितियां बन रही हैं ना, क्योंकि स्वतंत्रता को हमने नहीं समझा। अंग्रेजों को तो भगा दिया, परंतु स्वतंत्रता को हम संभाल नहीं पाए, हम स्वतंत्र अभी वास्तविक में नहीं हो पाए हैं। जब तक हम स्व आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते और उसके आदेश अनुसार नहीं चलते, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम विषयों के गुलाम हैं, हम कर्म के गुलाम हैं। तो अनेक प्रकार की गुलामी में हम जकड़े हुए हैं, मन बुद्धि हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमारी कही मन नहीं मानता है, बुद्धि नहीं मानती है। आप सब लोग कहते हो माला लेके बैठते हैं, मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता। आपका गुलाम, आपका दास, आपका सेवक भगवान श्री राम कहते हैं, मैं अपने मन और इंद्रियों को अपना दास बनाता हूं, किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाता। निज कर जटा राम नीव राय, भगवान जिस समय राज सिंहासन पर बैठे, भरत जी इत्यादि सब राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व कहे के भगवान थोड़ा सेवा का अवसर हमको दीजिए, आपकी ये जो जटाएं उलझ रही हैं इनको हम सुलझा दें। भगवान ने कहा नहीं, अब मैं किसी से सेवा नहीं ले सकता,
अब मैं सबका सेवक हूं। उस समय का जो राजतंत्र था, भगवान श्री राम के समय का जो राजतंत्र है, उसमें राजा सबका सेवक बनता था। सेवक सेवा लेता नहीं था, सेवा करता था। और अगर एक वोट भी उसके विरोध में है, केवल एक मंत्रा का, मंत्रा ने केकई को अपने अनुकूल बना लिया था, दो वोट मान लो, पूरी अयोध्या में केवल दो वोट राम जी के विरोध में पड़े थे, राम जी ने राजसत्ता को छोड़ दिया। बताओ प्रजातंत्र में, अरे 10-20% लोगों के चाहने पर भी उनकी सरकार बन जाती है, भले ही कहते हैं बहुमत बहुमत। राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता अभी तक हमको प्राप्त नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम मन बुद्धि के दास हैं। मन बुद्धि हम पे हावी है, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा मन नहीं करता, हम जैसा चाहते हैं हम अभी पशुवत आचरण कर रहे हैं। पशु को जबरदस्ती रोका जाता है, फिर भी वो हरी हरी घास की तरफ दौड़ता है, सिर से बागर को तोड़ के किसी भी प्रकार से उसमें प्रवेश करने की कोशिश करता है। ये मन बुद्धि सब हम पे हावी हो गए, हम कर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारी जो परतंत्रता की जंजीरें हैं बहुत मजबूत हैं, वो हमसे टूट नहीं रही हैं, हम उनको तोड़ नहीं पा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी पूरी कोशिश की है, मन हमारा बस में हो, बुद्धि हमारे बस में हो, इंद्रियां हमारे बस में हो, और उन्होंने कृपा करके हमको रामचरितमानस दिया है। आज वो कहाँ गया हनुमान चालीसा, होगा होगा टाइम हो चुका है, वो तो केवल अब नहीं करना है। तो बस आज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हमको पवित्र साहित्य दिया है, सद साहित्य, सच्चा साहित्य, सच्चा काव्य, चाहे वो विनय पत्रिका है, रामचरितमानस सर्वोपरि है, परंतु उसके साथ साथ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बेराग संदीपनी, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, गोस्वामी तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली भी लिखे हैं, जैसे सूरदास जी रामायण भी लिखे हैं। ये तो आजकल के लोग हैं जो राम और कृष्ण में दीवाल खड़ी करते हैं, पुराने संतों में ये भेद की दीवाल नहीं थी। तो उन्होंने जो हम सबको पवित्र साहित्य दिया है, सद साहित्य दिया है, उसको पढ़ें, सुने, समझें और उसको जीवन में चरितार्थ करें। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए श्रद्धांजलि है, और तो कुछ नहीं कर सकते हम सब, परंतु उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमें गोस्वामी तुलसीदास जी सद्बुद्धि दें,
जिससे हम उनके बताए मार्ग पे चल सकें। जय श्री राम।